हेलो फ्रेंड्स, जय श्री श्याम। आज हम बनाएंगे टेस्टी और यमी केसर घेवर यानी मलाई घेवर। उसके लिए टोपिया में हम थोड़ा सा 2 चम्मच घी ले लेंगे और आइस क्यूब ले लेंगे 1-2, और उसको अच्छे से मस लेंगे। अच्छे से मसलना है इसको। आप चाहे तो इसको ग्राइंडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से करना ज़्यादा प्रिफर करती हूँ। देखिए, ऐसे फ्लफी होना चाहिए। अब उसमें हम मैदा डाल देंगे 1 कटोरी, और थोड़ा सा बेसन डाल देंगे। अब उसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, और उसमें चिल्ड पानी डाल के उसको अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो ये बैटर को ग्राइंडर में डाल के ग्राइंडिंग कर देंगे तो भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। मैं तो हाथ से ही कर रही हूँ। ऐसे अच्छे से मिक्स करना है। अब इसमें हम केसर, मैंने भिगा के रखा हुआ था केसर वाला पानी, कलर एंड फ्लेवर के लिए डाल देंगे। और इसमें थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ देंगे, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब कढ़ाई में हमारा तेल हो गया है गरम। अब इसमें हम हमारा जो बैटर है उसको थोड़ा थोड़ा करके ऐसे डालेंगे। थोड़ी थोड़ी देर के गैप में डालना है। एक साथ डालेंगे तो इकट्ठा हो जाता है। उसको थोड़ी धीरे सीखने के लिए टाइम लगता है। और गैस को हम मीडियम आंच में रखेंगे हमेशा। और ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालते जाएंगे ताकि वो अच्छे से अंदर से सीख पाए और अंदर से कच्चा ना रहे और एकदम क्रिस्पी बने। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके हमको बैटर डालते रहना। बैटर एकदम पतला रखना है। गाढ़ा रखेंगे तो आप डाल ही नहीं पाएंगे। आप चाहे तो एक बोतल में डाल के भी इसको डाल सकते हैं। ये हमारा घेवर बन गया है। देखिए कितना सुंदर बना है घेवर। अब इसको हम थोड़ा सा और सेक के इसको हम निकाल लेंगे। अब घेवर को हम चाशनी डाल देंगे घेवर के ऊपर। ये चाशनी मैंने पहले से बना के रखा हुआ था। चीनी और पानी से ये चाशनी बनी हुई है पतली सी। और इसके ऊपर हम अब ये रबड़ी हमने बनाया था वो ऐसे फैला देंगे। रबड़ी का वीडियो मैंने अलग से डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इसको रबड़ी को पूरा हम फैला देंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा केसर वाला पानी डाल देंगे कलर एंड फ्लेवर के लिए। और इसके ऊपर से हम ड्राई फ्रूट से इसको सजाएंगे। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, दिखने में भी और टेस्टी भी बहुत लगेगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो पे लाइक कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू। जय श्री श्याम।